आज थोड़े से हम रिएक्ट के कुछ नेटिव कंपोनेंट्स को देखेंगे, जिसमें जो है कैमरा हो गया, एक्सेलेरोमीटर हो गया और मैप हो गया, इस तरह के कुछ कंपोनेंट्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेलेरोमीटर की इंफॉर्मेशन हम किस तरीके से रिसीव कर सकते हैं। तो हर मोबाइल के अंदर एक्सेलेरोमीटर होता है और उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है, उसका जो सेंसर होता है, तो उसको इस्तेमाल करते हुए आप मिसाल के तौर पर एक्सेलेरोमीटर की पोजीशन चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, तो हम जो है लिसनर्स लगा के उसको कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आप वैसे अगर चाहें तो एक्सपो के बगैर भी कर सकते हैं। हम अभी एक्सपो को यूज़ करते हुए देखते हैं कि किस तरीके से जो है हम एक्सेलेरोमीटर की इंफॉर्मेशन जो है गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये आपके पास जो है इंस्टॉलेशन के लिए ये आपको स्टेटमेंट जो है, ये कमांड जो है आपको लिखनी पड़ेगी उसी फोल्डर में जिस फोल्डर में जो है आपका प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जो है आपने जो है इसको इंस्टॉल करना होगा। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, इट विल इंस्टॉल क्विकली। तो ये इंस्टॉल हो गया, अब हम इसको जो है इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये आपको जो है वेब पे भी जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड्रॉयड डिवाइस पे भी इसको देख सकते हैं, एंड्रॉयड एमुलेटर पे, आईओएस डिवाइस के ऊपर, मोबाइल पे भी आप देख सकते हैं और वैसे भी। तो कुछ सैंपल कोड है इसका, हम इसको चला कर देख लेते हैं। और फिर हम इसकी API को समझने की कोशिश करेंगे। जी, तो ये हमने एक फंक्शनल कंपोनेंट्स बनाया है। मैंने आप लोगों को हुक्स तो पढ़ा चुका हूँ मैं, आप जो है यूज स्टेट करके आपने जो है फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर स्टेट्स अगर आपको चाहिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है तीन स्टेट, ये इनफैक्ट आप ये समझें कि एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि आपका स्टेट वेरिएबल है, जिसमें x, y और z, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है तीन जो है प्रॉपर्टीज हैं, जिसको हमने नाम डेटा कर दिया है। अगर हमें इसको चेंज करना हो तो सेट डेटा के जरिए हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको कि जब आप यूज स्टेट करते हैं तो आप दो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, एक तो आप वेरिएबल प्रोवाइड करते हैं जो कि इसको रेफ़र करने के लिए, इस स्टेट को रेफ़र करने के लिए आप यूज़ करेंगे, दूसरा उस स्टेट वेरिएबल को अगर आपने मॉडिफाई करना हो तो कौन से मेथड के थ्रू मॉडिफाई करेंगे। तो ये इनिशियली हमने जो है 00 पे रखा है, फिर हम जो है आ,
एक फ्लो का मेथड बनाया है हमने, ठीक है। फ्लो अगर हमने जो है एक्सेलेरोमीटर की इंफॉर्मेशन को स्लोली अपडेट करना है, तो हमने अपडेट इंटरवल 1000 यानी 1 सेकेंड, हर सेकेंड का जो है ये अपडेट होगा, या हम चाहें तो 16 मिली सेकेंड के बाद अपडेट करें तो ये फास्ट। तो एक्सेलेरोमीटर की जो क्लास है उसमें मेथड मौजूद है अपडेट इंटरवल का, जिसके थ्रू हम जो है इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितनी क्विकली इसको अपडेट करें। सब्सक्राइब का एक मेथड बनाया है हमने, और इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, एक लिसनर ऐड किया है हमने, ऐड लिसनर एक्सेलेरोमीटर, डेटा इसको मिलेगा तो वो अपडेट कर देगा सेट डेटा को, राइट। तो एक्सेलेरोमीटर के अंदर हमने एक लिसनर ऐड किया है, ये लिसनर क्या करेगा, ये लिसनर जो है पीरियोडिकली जो है लिसन करेगा, और जो भी एक्सेलेरोमीटर की रीडिंग्स आएंगी वो इस डेटा वेरिएबल के अंदर डाल देगा, ठीक है। इसी तरीके से एक अनसब्सक्राइब का मेथड बनाया है। यूज़ इफेक्ट आपको पता है, यूज़ इफेक्ट करते हुए जो है हमने सबसे पहले जो है ये कब कॉल होता है मेथड, ये मेथड उस वक्त कॉल होता है जब कंपोनेंट माउंट होता है। कंपोनेंट विल माउंट का जो मेथड है, जो कि कॉल बैक मेथड है या लाइफ साइकिल मेथड है, ये उस वक्त कॉल होता है जब कंपोनेंट माउंट होता है। तो जिस तरीके से क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स के अंदर जो है कंपोनेंट विल माउंट होता है, यहाँ पे यूज़ इफेक्ट करते हुए जो है आप जो भी मेथड आप देंगे, यहाँ पे सब्सक्राइब नाम हो कुछ भी नाम हो, तो ये मेथड उस वक्त कॉल होगा जब कंपोनेंट माउंट होगा। और ये रिटर्न जो कर रहा है, जो मेथड रिटर्न कर रहा है, ये उस वक्त कॉल होगा जब कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा होगा। तो सब्सक्राइब का मेथड जब कंपोनेंट माउंट होगा, यानी आपने लिसनर लगा दिया यहाँ पे जो है सेट सब्सक्रिप्शन करके लिसनर ऐड कर दिया, और इसी तरीके से अनसब्सक्राइब का मेथड हमने कॉल किया, तो सब्सक्रिप्शन को हमने रिमूव किया, और सब्सक्रिप्शन को रिमूव करने के बाद जो है हमने जो है ये मेथड कॉल करना है जब कंपोनेंट अनमाउंट होगा, ठीक है। अब इसका इसकी डिज़ाइनिंग है, बाकी यहाँ पे हमारे पास डेटा जो भी है तो उसमें से एक्स वाई जेड हमने अलग अलग किया और ये डिस्प्ले करा दिया हमने, ठीक है। अच्छा, स्टाइल भी हम कोई अप्लाई नहीं कर रहे हैं, स्टाइल अप्लाई करना चाहे तो हम अप्लाई भी कर सकते हैं। अभी हम जो है सीएसएस वगैरह कुछ नहीं अप्लाई कर रहे, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। इसके अंदर जो है हमने एक टचेबल ओपेसिटी डाला है, ये कंपोनेंट है जो हम पढ़ चुके हैं, जो टच वगैरह का बिहेवियर आप डालना चाह रहे हैं, अपना कोई ऐसा कंपोनेंट बनाना चाह रहे हैं जिसमें टच का फीचर हो, यानी प्रेस हो तो कोई काम करना है और रिलीज हो तो कोई काम करना है, उसके लिए जो है हमने जो है टचेबल ओपेसिटी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो बटन भी यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल्स हम हटा देते हैं, सारे जितने भी स्टाइल्स हैं अभी हम कोई नहीं अप्लाई कर रहे हैं। बटन के प्रेस होने पे एक बटन हमने लगाया सब्सक्रिप्शन का, बटन के प्रेस होने पे जो है हम उसको सब्सक्राइब कर देंगे कि लिसन करो या ना लिसन करो। अगर पहले से लिसन कर रहा है तो हम जो है लिसन नहीं करेंगे, फिर हम अनसब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्रिप्शन का एक बूलियन वेरिएबल है, अगर इस सब्सक्रिप्शन जो है हुई हुई है तो अनसब्सक्राइब का मेथड कॉल हो जाएगा, और सब्सक्रिप्शन नहीं हुई भी है तो सब्सक्राइब का मेथड कॉल हो जाएगा। ये कंडीशनल ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर, ये इफ की तरह काम करता है। ये सब्सक्रिप्शन की वैल्यू अगर ट्रू है या ये नल नहीं है तो पहला वाला चलेगा, अगर ये फॉल्स है या नल है तो दूसरा वाला चलेगा, ठीक है। इसी तरीके से प्रेस पे हमने जो है मज़ीद कुछ काम कराना है, जैसे यहाँ पर हम जो है
एक स्लो का बटन लगाया है, उसके प्रेस होने पे हम इसको स्लो का मेथड कॉल कर रहे हैं, और फास्ट का बटन लगाया है, उसके प्रेस पे फास्ट का मेथड कॉल कर रहे हैं। तो ये हमने जो है एक एक्सेलेरोमीटर को हैंडल करने के लिए हमने कोड लिखा है, ठीक है। इसकी बेस पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप कोई गेम बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं आप गेम, ठीक है। जैसे गाड़ियों वाला गेम होता है तो उसमें मोबाइल है, मोबाइल का एक्सेलेरोमीटर जो है मूव कर रहा है, तो आप उसके हिसाब से गाड़ी की डायरेक्शन को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे गेम्स बने हुए हैं जो एक्सेलेरोमीटर की रीडिंग को इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं। ये हमने एक्सेलेरोमीटर के बारे में पढ़ लिया। इसी तरीके से जो है अब इसमें मेथड्स कौन कौन से हैं इसका ज़रा हम ओवरव्यू ले लेते हैं। एपीआई जो है इसकी आपको एक्सेलेरोमीटर की क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और फिर हमारे पास जैसे रिमूव लिसनर है, अपडेट इंटरवल का मेथड है, ये हमने दो तीन मेथड तो भी देखे, ठीक है। और मेथड है एड लिसनर है, तो ये कुछ मेथड्स हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको लेफ्ट पे जो है बहुत सारे कंपोनेंट नज़र आ रहे होंगे, इसी में से मैं कुछ कंपोनेंट्स आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब हम देखते हैं बार कोड स्कैनर। बार कोड स्कैनर के ज़रिए जो है आप बार कोड को स्कैन कर सकते हैं, कोई भी बार कोड हो उसको स्कैन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, एक्सपो इंस्टॉल बारकोड स्कैनर करता हूँ पहले। तो ये आपको मोबाइल पे मिलेगा, वेब पे नहीं मिलेगा। वेब पे क्योंकि आपके पीसी में तो कोई बारकोड स्कैनर नहीं होता, मोबाइल पे अगर आपको बारकोड स्कैनिंग करनी है तो ले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको हम चला के देखते हैं। इसका कोड देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो हमने एक हैज परमिशन का मेथड है और सेट हैज परमिशन का मेथड मौजूद है, स्कैन और स्कैन का मेथड मौजूद है। अब यहाँ पे हमने जो है यूज इफेक्ट करके जैसे ही कंपोनेंट माउंट होगा तो यहाँ पे हमने जो है रिक्वेस्ट परमिशन करनी है, और अगर परमिशन मिल जाती है तो हमने जो है स्टेटस सेट करने के ग्रांट हो गया है। async क्या होता है? async जो है ये जावास्क्रिप्ट के प्रोमिसेस होते हैं। अगर आप जो है कॉल बैक्स आपने पढ़े हो तो ये एसिंक में हम क्या कर रहे हैं, हम दो चीज़ें पास कर रहे हैं यहाँ पर। एक तो हम जो है रिक्वेस्ट परमिशन का वेट कर रहे हैं, और जैसे ही परमिशन मिल जाती है तो हम जो है दूसरा काम क्या कर रहे हैं, हैस परमिशन को सेट कर रहे हैं कि जी परमिशन मिल गई है। हमने एक मेथड बनाया हैंडल बार कोड स्कैन का। मेथड कब कॉल होगा, जब बार कोड स्कैन होगा, ये भी हम नीचे सेट करेंगे। जैसे ही बार कोड स्कैन होगा तो हम जो है सेट स्कैन को ट्रू कर देंगे, और ये बार कोड स्कैन होने के बाद आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो टाइप मिलेगी कि किस टाइप का डेटा है,
और दूसरा डेटा मिलेगा। ये दो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगी जब आपका बारकोड स्कैन हो जाएगा। यहाँ पर हमने चेक किया है कि अगर जो है परमिशन नहीं मिली हुई तो हम कैमरे पे दिखा देंगे, मोबाइल पे दिखा देंगे कि जो है परमिशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। और अगर परमिशन नहीं मिलती, यूज़र कहते हैं कि परमिशन नहीं है, तो हम दिखा देंगे कि कैमरे का एक्सेस नहीं है। ये कम, ये बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है इसको हम हटा देते हैं। अगर कंटेनर का कोई स्टाइल नहीं डालना, बारकोड स्कैनर का कंपोनेंट जो है हमने लगाया। अब इसके मेथड्स हैं ऑन बारकोड स्कैन। जब बारकोड स्कैन हो जाए तो आपने क्या करना है, ठीक है। तो अगर पहले से स्कैन हुआ हुआ है तो वो दिखा देगा, अनडिफाइंड कुछ नहीं करना। और अगर पहले से कोई चीज़ स्कैन नहीं हुई हुई है, उसके बाद आप स्कैन कर रहे हो, तो हैंडल बारकोड स्कैन का फंक्शन कॉल करना है। इसको दो चीज़ें ऑटोमेटिकली मिलेंगी, टाइप मिलेगा और डेटा मिलेगा, ठीक है। स्टाइल जो है अगर आपने कुछ लगाना है तो लगा दें, नहीं लगाना है तो नहीं लगाएं। तो ये कंपोनेंट लगाया हमने। टाइट ये बटन है, हमने एक बटन लगाया है जिस पर टैप करके जो है आप दोबारा से स्कैन कर सकते हैं। ये इसलिए लगाया है, एक दफ़ा आपने स्कैन कर लिया और आप दोबारा करना चाह रहे हैं तो सेट स्कैन करके हम फॉल्स कर देंगे इसको, के स्कैन जो है फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे जो है दोबारा से ये मेथड कॉल हो सकता है। मैं इसको एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने जो है यूज़ स्टेट करके जो है एक वेरिएबल डिफाइन किया हैज़ परमिशन का, और उस वेरिएबल को चेंज करने के लिए सेट हैज़ परमिशन का मेथड डिफाइन किया। यूज़ स्टेट मैंने आपको बताया है, जब भी यूज़ स्टेट करते हैं तो आपको दो चीज़ें बतानी पड़ती हैं। पहली चीज़ बतानी पड़ती है कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल करना चाह रहे हो स्टेट के लिए, दूसरा उसको चेंज कैसे करोगे, ठीक है। इसी तरीके से स्कैंड और सेट स्कैंड, ये एक और जो है हमने जो है वेरिएबल डिफाइन किया। यूज़ इफेक्ट के ज़रिए जो है हमारे पास कॉल बैक मेथड्स मिल जाते हैं फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। हमने जो है ये एसिंक्रोनसली हमने एक काम कराना है, ये प्रॉमिस है, ठीक है ना। एसिंक्रोनसली काम कराना है, क्या काम कराना है हमने, हमने ये काम कराना है कि हमने वेट करना है, रिक्वेस्ट परमिशन का मेथड कॉल करना है बारकोड स्कैनर का। अब ये मेथड जो है ये एसिंक्रोनसली कॉल होगा, ये वेट में लग जाएगा। जैसे ही परमिशन मिल जाएगी तो फिर क्या करेगा, प्रॉमिस फुलफिल हो जाएगा, तो ये हैज़ परमिशन का जो वेरिएबल है उसको क्या कर देगा, स्टेटस इज इक्वल टू ग्रांटेड। अगर ये ग्रांट कर दिए या यूज़र ने जो स्टेटस मिला है, तो फिर वो क्या करेगा कि परमिशन मिल गई है, ठीक है। अगर परमिशन मिल जाती है तो यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। अगर परमिशन नल है इसका मतलब है अभी रिक्वेस्ट कर रहा है, परमिशन फॉल्स है इसका मतलब है कि यूजर ने अलाउ नहीं किया। उसके बाद जो है ये हमारा रेंडरिंग का हिस्सा है, रेंडर का मेथड जो होता है नॉर्मली क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हमने एक व्यू लगाया, उसमें बारकोड स्कैनर लगाया। अगर बारकोड स्कैन हो जाता है तो उसके बाद चेक करेगा कि पहले से स्कैन हुआ हुआ है, यानी स्कैन ट्रू है, तो फिर कुछ नहीं करेगा अनडिफाइंड। और अगर पहले से स्कैन नहीं हुआ हुआ है तो हैंडल बारकोड स्कैनर को कॉल करेगा। इसके अंदर जो है आपको डेटा और टाइप दोनों मिलेगी, आपने वो प्रिंट करा देनी है। यहाँ पे हमने जो है लगाया कि अगर पहले से स्कैन हुआ हुआ है तो हम एक बटन दिखा दें, अगर पहले से स्कैन नहीं हुआ है तो बटन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पहले से स्कैन हुआ हुआ है तो बटन पे क्लिक करके बंदा दोबारा से स्कैन कर सकता है, तो इस वजह से चेक कर रहे हैं पहले से कि स्कैन हुआ हुआ है, तो फिर दिखाए बटन बनना ना दिखाए। तो ये हमारा जो है बारकोड स्कैनिंग का कोड है, ठीक है जनाब। इंफॉर्मेशन चाहिए आपको तो एक्सपो इंस्टॉल, एक्सपो बैटरी आप कर लें, ठीक
ठीक है, मैं चला के दिखा देता हूँ बैटरी का कोड। तो यहाँ पे आपने एक स्टेट, ये जो है अब इन्होंने क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाया है, बैटरी लेवल रखा है, कंपोनेंट माउंट हो रहा है तो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा है तो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्राइब के अंदर क्या कर रहे हैं, बैटरी डॉट गेट बैटरी लेवल एसिंक, तो ये प्रॉमिस है अगेन, ठीक है, ये एसिंक्रोनसली आएगा, जैसे ही आएगा तो फिर नीचे स्टेट अपडेट हो जाएगी, ठीक है, और बैटरी लेवल लिसनर जो है इन्होंने लगा दिया है, जैसी बैटरी की इंफॉर्मेशन आएगी तो वो अपडेट हो जाएगी और वो नीचे जो है यहाँ पे चेंज होती जाएगी। तो उसको चला के देख लेते हैं, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल नहीं है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है इसकी API, ये देखना होगा हमें, ये वेब पे है या नहीं है, वेब पे मिल जाएगी, ये वेब पे भी चल जाएगी, चलाते हैं। अच्छा स्टाइल्स, अगेन स्टाइल्स हम कोई अभी नहीं डाल रहे हैं, हटा देते हैं, तो बैटरी लेवल 1 आ रहा है, 100% है बिल्कुल ना, ठीक है, 1 का मतलब है 100%, 0.99 आ रहा है तो 99%, 0.8 आ रहा है तो 80%, इस तरीके से जो है फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही होगी जो आपको बता रही होगी कि बैटरी का क्या स्टेटस है। तो इसमें जो मेथड्स हैं उसको देख लें, अगर हम कौन कौन से मेथड्स हैं, ये प्रॉमिस है गेट बैटरी लेवल एसिंक, ठीक है, और उसके बाद जो है सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप लिसन करना चाह रहे हैं बैटरी के लेवल को चेंज होने पे, तो ऐड बैटरी लेवल लिसनर, जब भी बैटरी जो है कम होगी ज़्यादा होगी वैल्यू चेंज होगी तो ये इवेंट कॉल हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे कॉल किया, जैसे ही बैटरी की इंफॉर्मेशन अपडेट होगी तो ये हमारे पास सब्सक्रिप्शन हमने कराई हुई है, इवेंट लिसनर लगाया हुआ है, ये मेथड कॉल हो जाएगा, ये मेथड हमने जो प्रोवाइड किया है इसमें आपको अपडेटेड बैटरी लेवल मिलेगी जो आप स्टेट में सेट करेंगे, तो ये जो टैक्स लगा हुआ है ये बाइंड हुआ हुआ है स्टेट वेरिएबल के साथ, ये ऑटोमेटिकली जो वैल्यू बैटरी लेवल की होगी वही वैल्यू यहाँ पर अपडेट हो रही होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से और हमारे पास कैमरा है, कैमरे को आप इस्तेमाल करना चाहें तो एक्स को इंस्टॉल कैमरा करें आप, तो कैमरे को भी देख लेते हैं हम, सबसे पहले कैमरा इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें,
तो इसमें फिर वही हमने जो है परमिशंस पहले लेनी होंगी। तो रिक्वेस्ट परमिशन का ये प्रॉमिस है, जैसे ये प्रॉमिस फुलफिल होगा तो हम ये चेक करेंगे स्टेटस गारंटीड है या नहीं है, ठीक है। और स्टेटस ग्रांटेड है या नहीं है, यूज़र ने अलाउ किया है या नहीं किया। अगर अलाउ किया है तो ठीक है, हम आगे काम करेंगे। अलाउ नहीं किया तो हम जो है एरर दे देंगे कि आपको जो है नो एक्सेस टू कैमरा। बाकी ये कैमरा लगाया है हमने, स्टाइल अप्लाई कर दिए मुख्तलिफ उसके ऊपर, फिर उसका टाइप सेट कर दिया यूज़र ने, अगर कहा है फ्रंट कैमरा है या बैक कैमरा है। कैमरा डॉट कॉन्स्टेंट डॉट टाइप डॉट बैक, अगर है तो बैक दिखा दो, फ्रंट है तो फ्रंट दिखा दो। शूट अप्लाई किया तो यूज़ इफेक्ट जैसे ही मैं बता चुका हूँ, कॉल बैक है ये। अगर आप जो है कंपोनेंट माउंट होगा तो उस वक्त जो है आप सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद जो है ये आपके कैमरा के कंपोनेंट को हमने लगा दिया। कैमरा का कंपोनेंट है, इसमें स्टाइल है, टाइप है, कैमरे की टाइप क्या है। टाइप हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है जो कैमरा डॉट कॉन्स्टेंट डॉट टाइप के अंदर मौजूद है। फ्रंट बैक बाय डिफ़ॉल्ट बैक है, और चेंज भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने जो है बटन दिया हुआ है, बटन को प्रेस करने से जो है उसकी टाइप चेंज हो जा रही है, ठीक है। और टाइप चेंज हो रही है तो उसके हिसाब से यहाँ पे कैमरे के एट्रीब्यूट में टाइप अपडेट हो जा रहा है, ठीक है। फ्लिप का भी ऑप्शन है इसी तरीके से, तो इसको चला के देख लेते हैं। परमिशन का मेथड है, प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं, फ्लैश मोड सेट करना है, ऑटो फोकस सेट करना है। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि आप लोग खुद से एक्सप्लोर करें, किसी को स्पेसिफिकली इस पे काम करना होगा तो ये सारी चीज़ें कर सकता है। कोई कैमरा की एप्लीकेशन बनाना चाह रहा है तो उसके साथ खेलना पड़ेगा। टेक पिक्चर ए सिंक, तो ये पिक्चर खींचने के लिए है, ठीक है ना। रिकॉर्ड करना है, वीडियो बनानी है तो वीडियो बन जाएगी। स्टॉप रिकॉर्डिंग, पॉज का मेथड है, ये सारी चीज़ें मौजूद है, ठीक है। वेब पे सपोर्ट वालेकुम सर। जी, सर इसमें फिर जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव में बनी बनी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, उनको सिर्फ हमने देखना होता है कि इसको हम हुक्स के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा काम तो फिर यही होते हैं ना इसके अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। बहुत बहुत कम ऐसा होता है कि आपको कस्टमाइजेशन करनी हो, स्पेसिफिकली आपने कैमरे के अंदर कोई ऐसा काम करना है जो बिल्कुल यूनिक किस्म का है, वो बहुत कम होता है ऐसा, ठीक है। ज़्यादा तो यही होगा, आपको बना बनाया कोड मिल जाएगा, उसको उठाया आपने यूज़ कर लिया, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो एक दो चीज़ें और देख लेते हैं हम। मैप है, मैप कैसे लगा सकते हैं, तो एक्सपो इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव मैप करा आपने, तो मैप्स इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। ये भी मोबाइल पे चलेगा, आपके पास मैप व्यू जो है मोबाइल पे चलेगा, वेब पे तो नहीं चलेगा ये।
तो इसमें देखें, मैप व्यू की क्लास है, आपने जो है वो इम्पोर्ट करानी है कंपोनेंट मैप व्यू का, और उसको इस्तेमाल करना है, मैप व्यू लगा देना है आपने, ठीक है। और फिर आपके पास जो है स्टाइल सेट करना चाहें तो स्टाइल सेट कर सकते हैं, यानी जितने बड़ा भी आपका मोबाइल की स्क्रीन है, पूरी स्क्रीन पे आपने जो है मैप लगाना है। तो विड्थ और हाइट सेट कर दिया आपने पूरी स्क्रीन की, और ये कंपोनेंट लगा दिया आपने, इसमें कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। मिसाल के तौर पर आप जो है किसी स्पेसिफिक लोकेशन है उसको आपने जो है पॉइंट करना है मैप के अंदर, आप वो भी कर सकते हो, सर्च करना है मैप में। तो इसके लिए पूरी जो है कॉम्प्रिहेंसिव API है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसकी फुल डॉक्यूमेंटेशन जो है यहाँ पे मौजूद है। तो मैप व्यू के अंदर आप इनिशियल रीजन दे दो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो ये उस लोकेशन को खोल देगा, कहाँ से लेके कहाँ तक के दिखाना है। डेल्टा देने का मतलब ये है कितना प्रिसाइज आपने दिखाना है वो आप बता सकते हो, ठीक है। फिर आप जो है अगर जो है लोकेशन चेंज हो रही है उस पर कुछ करना चाहो, मार्कर कोई दिखाना चाह रहे हो आप, मिसाल के तौर पर अपना ऑफिस है उसकी लोकेशन को पॉइंट करना है आपने, तो मैप के ऊपर आपने कोई मार्कर लगाना है वो कर सकते हो आप, कोई कैरेट लगाना है उसके ऊपर तो वो लगा सकते हैं आप। पूरा जो है कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीज़ें मौजूद हैं, इट डिपेंड्स अपॉन के आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से जो है आप मिसाल के तौर पर आप जो है ये भी कर सकते हो कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने पे टाइम कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। गूगल API मौजूद हैं जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ये हमने जो है आज क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं एक दफ़ा मैं रिवीजन कर लूँ। आज हमने जो है सबसे पहले ये तो इमेजेस की एग्जांपल थी, हमने लास्ट टाइम की थी। अच्छा, इमेजेस में जो है जो इशू आ रहा था, इमेज शो नहीं हो रही थी, वो CSS की वजह से मसला था, वो आपने जो है इमेज की विड्थ और हाइट को सेट कर दें CSS से तो वो दिख जाएगी। तो उसकी वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दी है जो हमारे पास क्लास में प्रॉब्लम आ रही थी उसके लिए। तो ये एक्सेलेरोमीटर का हमने जो है आज पहला टॉपिक देखा था, तो मैंने आपको बताया था यूज स्टेट जो है उसके थ्रू आप जो है कोई भी स्टेट वेरिएबल फंक्शनल कंपोनेंट में इस्तेमाल करना चाहें तो उसके लिए हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती है, वेरिएबल का नाम और उसको अपडेट करने के लिए कौन सा मेथड कॉल करना है वो। तो डेटा हमने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर तीन चीज़ें हैं XYZ, ठीक है, और सेट डेटा करके हम उसको अपडेट कर सकते हैं। फिर हमने जो है नाम से एक वेरिएबल लिया, ठीक है, और सेट सब्सक्रिप्शन के नाम से ये मेथड है जो कि कॉल होगा जब हम जो है सब्सक्रिप्शन की वैल्यू को अपडेट करना चाहेंगे। इनिशियल वैल्यू हमने नल दिया है, इसको कोई भी वैल्यू नहीं दिया है, स्टार्टिंग वैल्यू नल दिया है, ठीक है। स्लो का मेथड बनाया हमने, और जब ये उस वक्त कॉल होगा जब हमारा स्लो के बटन पर क्लिक होगा, हम इंटरवल जो है 1000 मिली सेकेंड हम रख रहे हैं, यानी 1 सेकेंड, और फास्ट में जो है इंटरवल जो है 16 मिली सेकेंड रख रहे हैं, या आप कुछ भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं। सब्सक्राइब है जिसमें हम सेट सब्सक्रिप्शन, ये जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन की वैल्यू क्या है वो ये मेथड हमने दे दिया है, ठीक है ना। सब्सक्राइब करते हुए ये मेथड हमने दे दिया है जिसको एक्सेलेरोमीटर का डेटा मिलेगा, एक्सेलेरोमीटर का लिसनर हमने ऐड किया है, एक्सेलेरोमीटर डॉट ऐड लिसनर जो है ये एक्सेलेरोमीटर को लिसन करने के लिए हमने जो है कोड लिखा है कुछ, जो हमने सब्सक्रिप्शन के अंदर जो है डाल दिया है, ठीक है। अनसब्सक्राइब में इसी तरीके से हमने जो है सब्सक्रिप्शन को रिमूव करा दिया है।
यूज इफेक्ट के अंदर जो हमने सब्सक्राइब को कॉल किया, सब्सक्राइब क्या कर रहा है, सब्सक्रिप्शन को सेट कर रहा है, और अनसब्सक्राइब क्या कर रहा है, सब्सक्रिप्शन को रिमूव कर रहा है। तो यहाँ पे ऑन जैसे ही आपने कहा सब्सक्राइब करना है, तो सब्सक्रिप्शन को देखते हुए अगर जो है बंदा जो है पहले से सब्सक्राइब है तो अनसब्सक्राइब कर दो, अनसब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बाकी जो है स्लो फास्ट के मेथड्स हैं, बटन्स लगे हुए हैं उसके अगेंस्ट मेथड्स बने हुए। तो ये हमने पहली एग्जांपल देखी थी। दूसरी एग्जांपल हमने जो है जो आज देखी वो बारकोड स्कैनर की देखी। तो इसमें जो है ये प्रोमिसेस हैं, प्रोमिसेस क्या होते हैं, एसिंक्रोनस ली जो है आपने कोई काम कराना है तो उसके लिए प्रोमिसेस को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट परमिशन के लिए ये वेट करेगा, उसके बाद नीचे काम करेगा। जब वेट उसका पूरा हो जाएगा और यूज़र ने जो है परमिशन दे दी होगी या नहीं दी होगी, जो भी होगा उसके हिसाब से वेरिएबल सेट कर देगा। तो बाकी इसके अंदर जो है ये आपके पास ये कंपोनेंट है, ये आपने लगाना है सिंपली। इसके जो है मुख्तलिफ इवेंट्स हैंडलिंग के लिए जब बारकोड स्कैन हो जाए तो क्या करना है, बारकोड स्कैन अगर करते हुए पहले से स्कैन हुआ हुआ है तो आप कुछ नहीं करना, अगर स्कैन नहीं हुआ हुआ है तो आपने क्या करना पड़ेगा, बारकोड स्कैन करवाना पड़ेगा। जब बारकोड स्कैन होगा तो आपके पास जो है टाइप और डेटा दोनों चीज़ें आएंगी। बारकोड की भी टाइप्स होती है ना मुख्तलिफ, तो उसके हिसाब से कौन सी टाइप का डेटा है। अगर आप देखें यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की टाइप्स हैं। अच्छा तो यहाँ पे देखें अगर आप, तो बारकोड की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, फॉर्मेट है, मुख्तलिफ तरह के फॉर्मेट है, तो किस फॉर्मेट में डेटा आ रहा है। तो हमारे पास बारकोड स्कैनर है, फिर उसके बाद जो है हम बैटरी को इंफॉर्मेशन निकालने का कोड देखा हमने। बैटरी का बहुत सिंपल सा कोड था ये, गेट बैटरी लेवल एसिंक से जो है आपको बैटरी लेवल मिलेगी, और फिर आपने लिसनर भी लगा दिया। लिसनर जो है अगर कोई चेंज आ रही है बैटरी में तो वो भी लिसन कर रहा है। देन हमारे पास कैमरा का कोड था, हमने कैमरा लगाया था। कैमरे में फिर आपके पास और भी मेथड्स होंगे जिससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं। इसके अलावा आप फ्लैश सेट करना है, आपने वाइटनिंग लेवल सेट करना है, आपने जो है उस पर फिल्टर्स अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फाइनली जो है हमने मैप देखा, मैप के अंदर भी फिर आपके पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव एपीआई है। मैप में कॉम्प्रिहेंसिवली जो है बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मैप के अंदर। मैप के अंदर जो है आप मार्कर लगाना चाहें, आप जो है दो लोकेशंस के दरमियान डिस्टेंस निकालना चाहें, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। पूरी एपीआई मौजूद है गूगल की। तो अब ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं आप लोगों ने, आई वुड लाइक कि आप लोग जो है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर सोचना शुरू कर दें, ठीक है। मैं ये चाहूँगा आप कोई छोटा सा रिएक्ट के ऊपर जो है, रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव को इस्तेमाल करते हुए, मिसाल के तौर पर आप जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कोई छोटा सा बना सकते हैं जिसमें जो है बारकोड स्कैनिंग हो रही हो, ठीक है, सर्चिंग हो रही हो, फिर उसके पीछे। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। SMS से रिलेटेड आई एम श्योर के SMS API भी होगी जिसके थ्रू आप SMS कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है बारकोड में स्कैन करके आपने बुक्स की इंफॉर्मेशन सेव कर ली, बंदा लेट हो रहा है बुक सबमिशन में, उसको SMS चले जाए, तो उस तरीके से आप जो है मुख्तलिफ तरह की इनोवेटिव किस्म के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। आप कोई रिसर्च आर्टिकल्स को मैनेज करने के लिए जो है कोई यूटिलिटी बना सकते हैं,
इसके अलावा जो है बहुत सारे यूनिक किस्म के आइडियाज़ हैं। आप कोई ट्रेवल लॉग बनाना चाहें, आप किसी लोकेशन से गुजरते हैं, कैमरे से आपने तस्वीर खींची है, आपने साथ में उसको इंफॉर्मेशन डाल दी कि इस जगह पे मेरे साथ ये चीज़ हुई है, तो ये आपकी पूरी जो है ट्रेवल लॉग मेंटेन हो रही है। आपका जो है सफ़र के दौरान जो जो वाकयात पेश आ रहे हैं उसकी पूरी हिस्ट्री मेंटेन हो रही है। तो आई वुड लाइक कि आप लोग जो है किसी प्रोजेक्ट को बनाएं, तो ताकि जो है इस महीने के आखिर के तक जो है आप कुछ दिखा सकें मुझे ना, आप लोग बना के। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? स्टूडेंट्स को कुछ बनाना शुरू करें, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे एंड करते हैं हम। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।